नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में 74वां स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। कोरोना महामारी के चलते इस बार 15 अगस्त धूमधाम से नहीं मनाया गया। इससे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। कोतवाली में समस्त स्टाफ ने एक दूसरे को मिठाई वितरित कर आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। कोतवाल सलाउद्दीन खान ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर रोशनी डाली गई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। परंपरागत रूप से हम 15 अगस्त को सभी जगह धूमधाम से मनाते हैं आज़ादी का दिन। आज हमने सभी पूरे जिले में क्या पूरे देश में 9 बजे का टाइम रखा गया था ध्वजारोहण का, और परंपरागत रूप से यहाँ थाने में भी ध्वज फहराया गया है। राष्ट्रीय झंडे को ये सलामी दी गई। इस पर यही है मैसेज कि हम अपने अधिकारों से पहले अपनी ड्यूटीज़ को देखें, कर्तव्यों को देखें। और लाखों लोगों ने, हमारे बाबा और दादा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि इस मुल्क की सलामियत के लिए हम तैयार रहें। आज जैसे दुश्मनी का माहौल बना हुआ है जहाँ तहाँ, या आपस में हमारी कोई फिरका परस्ती या दुश्मनी आपस में ना हो, हम सब मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें। क्योंकि जिस चमन को सींचा है लहू से, हम कैसे करवा लें बर्बादी। बर्बादी नहीं, मुश्किल से मिली है आज़ादी। इस आज इस मुबारक मौके पर मेरी यही देशवासियों के लिए पैगाम।